अजान फ्लोर मिल्स का संग बुनियाद रखने की तकरीब आज पाक पतन रोड पर रेलवे फाटक के साथ इनाकाद पजीर हुई। चौधरी सलीम नज़र साहिब, चौधरी नईम नज़र साहिब साउथ अफ्रीका की खसूसी दावत पर साबक वज़ीर आला पंजाब मियाँ मंजूर अहमद वट्टू, मेंबर कौमी असम्बली मियाँ अहमद रजा खान मानेका और अलहाज मोहम्मद रफीक अंजम तुगेरवी, ज़िलाई सदर पाकिस्तान सोशल एसोसिएशन, सदर मरकज़ी जमात अहले सुन्नत हवेली लखा ने संग बुनियाद रख दिया है। इस पुरवकार तकरीब में चौधरी सलीम नज़र साहब साउथ अफ्रीका से खसूसी तौर पर शिरकत की और जब वो पंडाल में पहुँचे तो अपने दोस्तों के साथ वो गले मिलते रहे और मुबारकबादें जो हैं वो वसूल करते रहे। इस सिलसिला में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद भी किया गया जिससे साबक वज़ीर आला पंजाब मियाँ मंजूर अहमद वट्टू, अलहाज मोहम्मद रफीक अंजुम तुगेरवी, ज़िलाई सदर पाकिस्तान सोशल एसोसिएशन मरकज़ी जमात अहले सुन्नत हवेली लखा और मेंबर कौमी असम्बली मियाँ अहमद रज़ा खान मानेका ने खसूसी तौर पर खताब भी किया और फ्लोर मिल्स की गर्दो गाय से भी अवाम उन्नास को आगाह। ये आपको इस तकरीब का मज़ीद अहवाल बताते हैं और अलहाज मोहम्मद रफीक अंजम तुगेरवी इस वक्त तकरीब इस इलाके के अवाम को खुला रोजगार मिलता और ना ही आज तक इस शहर वो अल्लाह की मखलूक का सोचते हैं। ये जो आज हम सब मिलके इस फ्लोर मिल के संगे बुनियाद की तकरीब में शामिल हैं और इसको इसका आगाज करने जा रहे हैं, ये फ्लोर मिल पूरे साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ी फ्लोर मिल है और इससे पहले साहिवाल डिस्ट्रिक्ट पाकपतन और डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा इस सारे एरिया में इसके पाए की फ्लोर मिल जो है वो आज तक कोई पार्टी नहीं लगा सकती। मोजेस हजरात यहाँ पे आए, इस इलाके के मोजेस हजरात आसपास के गांव से कितने लोग आए, सबको स्वागत लेते। ये तकरीब एक मुझे इधर बताया गया कि काबिल फख्र है ये लोग इधर से इन्होंने स्टार्ट किया और इधर एक पहुंचे, लेकिन बाहर यहाँ के लोग अर्न करते हैं फॉरेन एक्सचेंज एज रेमिटेंस को पाकिस्तान में भेजने के लिए, नहीं बाहर यहाँ के इससे मेहनत की शुरू से शायद ये भी रेमिटेंस भेजता था पाकिस्तान। आज ये वहाँ सिर्फ पाकिस्तान के लोगों को दे रहे हैं, इस तरह के लोग का हमें फख्र होता है पाकिस्तान में, बहुत कम लोग हैं जो स्टेज में इतना बड़ा काम कर रहे हैं, इसकी मदद करेगा। और मैंने इसकी बनाई है करोड़ों दुरूद सलाम नबी आखिरुज़्ज़मान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पे। आइए आज की इस तकरीब का आगाज अल्लाह पाक सल्ला मजतहू के हसीन कलाम से करते हैं, तशरीफ लाते हैं कारी कुरान फखर कुर्रा जीनतुल कुर्रा नजमुल कुर्रा जनाब कारी मोहम्मद अब्बास साहेब, आप तशरीफ लाएं और आयात पेशीदात के साथ आज की इस खूबसूरत तकरीब का आगाज करें। डिमांड्स की है, मैं उनकी डिमांड्स को सपोर्ट करता हूं, लेकिन उनकी याददाश्त के लिए मैं ये अर्ज किए देता हूं कि यहां हवेली में इसकी आबादी जो है फिलाशुबा डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा के बाद गोपालपुर की आबादी और उकाड़ा शहर के बाद गोपालपुर की आबादी और हवेली की आबादी सबसे ज्यादा है और हवेली को जो मिलना चाहिए वो अगर उकाड़ा में डिग्री कॉलेज है तो हवेली में भी डिग्री कॉलेज है
और उकाड़ा में लड़कियों का डिग्री कॉलेज है, तो हवेली में भी लड़कियों का डिग्री कॉलेज है। तो हवेली बेशक तहसील नहीं है, तहसील नहीं है, लेकिन हवेली में तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल शानदार हॉस्पिटल हवेली में कायम हुआ है। इसके साथ का हॉस्पिटल दिमागपुर में भी नहीं है। और नहत जी मौजूद गुजरात तो स्टेज पे जलवा फरोज हैं, जो मेरे आमने सामने तस्वीर रखते हैं। चौड़ी साहबान को मैं दिली तौर पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। हम सब को इस काम पे लगाया है कि हम इस फ्लोर मिल के बारे में, जिसके बारे में हमें कख पता नहीं कि इसने इससे क्या करना है, इसकी ताकत क्या होगी, इसकी कैपेसिटी क्या होगी, क्या काम करना चाहते हैं, क्या खदमात सर अंजाम देना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद चौधरी साहबान इतने शानदार लोग हैं और इतने मुसैर हैं और इतनी पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत है पाकिस्तान के साथ कि हर साल कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट जो है ये पाकिस्तान में लेके आते हैं। पाकिस्तान को भूले नहीं है। जिस सिलसिले का आगाज किया ये आवाम को लोगों को नफ़ा पहुँचा और लोगों के जरिए हमारे इन अहबाब को नफ़ा पहुँचा और इसके करीम नसीब फरमा ऐसी रोजी जिसमें दार से महफूज फरमा जिसके तेरी नाराजगी हो और मखलूक के साथ धोखा या जुल्म हो। ऐलाउल आलमीन शरीरों के शर से महफूज फरमा, हासिदीन के हसद से महफूज फरमा। ऐलाउल आलमीन ऐसा रिस्क नसीब फरमा हो सके। ऐलाउल आलमीन अहकमुल हाकिमीन नियतों और इरादों की बुनियाद पर अपनी मदद और नुसरत को शामिल हाल फरमा। अल्लाह वजाल फ़ियाई सबीर और फ़ियाई नासी कबीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।